आदा सत श्रीकाल राम राम खमा गणी दोस्तों मैं रज में स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में तो दोस्तों आ, कल हम पढ़ रहे थे जलवायु वाला लेसन पढ़ रहे थे और जलवायु में हम पढ़ रहे थे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें हमने अक्षांश पढ़ ली ऊंचाई पढ़ ली वायुदाब और पवने हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से वायुदाब और पवने पृथ्वी की मुख्य भूमि भारत को प्रभावित करती है एक बार वायुदाब और पवने वाला जो मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाया था फिर से देख लेते हैं भारत में जलवायु सुबह सुबह ना इधर आसपास पता नहीं लोगों के क्या है डीजे बीजे वीजे पता नहीं क्या क्या चला देते हैं अब मेरे पास टाइम होता है सिर्फ सुबह रिकॉर्ड करने का बिकॉज जब मैं स्कूल से आती हूँ उस टाइम पे फिर मैं बहुत थक जाती हूँ स्कूल में खुद में बोलना पड़ता है तो फिर हिम्मत नहीं बचती और सुबह सुबह ये लोग इतना नॉइज़ पोल्यूशन करके रखते हैं किसी को कुछ बोल नहीं सकते सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अगर बाहर से आवाज़ आ रही है ना तो वायुदाब और पवने भारत में जलवायु और जलवायु तथा तो संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती है सबसे पहले तो वायुदाब और धरातलीय पवने फिर ऊपरी वायु परिसंचरण और फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये ऊपर वाला पल लिया था ना अपन ने हाँ ये सब लिया था तो हमने बात करी थी कि भारत में जो व्यापारिक पवने होते हैं व्यापारिक पवने निकल कर आती है और व्यापारिक पवने दक्षिणी पश्चिमी मानसून बन जाती है कैसे ये जीरो डिग्री है और हमने कोरियोलिस बल पढ़ा कि जीरो डिग्री को पार करते ही कोई भी पवन अपनी मुख्य दिशा से दाई ओर खिसक जाती है ठीक है तो व्यापारिक पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा होती है ये जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करती है ग्रीष्म ऋतु में जैसे ही ये भूमि यहाँ पे अपना भारत है भूमध्य रेखा को पार करती है तो ये अपनी मुख्य दिशा से दाई ओर मुड़ जाती है और इनकी दिशा ये हो जाती है तो इस तरह से ये भारत में दक्षिण पश्चिम की तरफ से प्रवेश करती है और क्योंकि ये गर्म मौसम में आती है मतलब आ, क्योंकि ये समुद्र से गर्मी पानी लेकर आती है इसलिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवेश करती है ठीक है ये हमने पढ़ लिया था हिंद महासागर के ऊपर से बहती हुई आती है और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के रूप में इसे जाना जाता है और भारत में वर्षा मुख्यतः यही करती है इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के अभाव में प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक है जेट धारा हम कह रहे हैं कि हमारा जो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण है वह पश्चिमी वायु प्रवाह के प्रभाव में इस तरह से पवने चलती हैं हमारे हिमालय के ऊपर और वो और वो जेठ धारा की वजह से चलती है तो थोड़ा सा उन्होंने जेठ धारा के बारे में एक्सप्लेन किया है लगभग सत्ताईस से तीस डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएँ कहते हैं जेठ धारा कहाँ से कहाँ स्थित होती है सत्ताईस से लेकर तीस डिग्री अक्षांशों के मध्य इसलिए इसे कौन सी धारा कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्यों क्योंकि यह उपोष्ण कटिबंध के मध्य स्थित है तेईस से साठ डिग्री वाले तो साढ़े छह तो वाले के बीच वाले को क्या कहते हैं हम उपोष्ण तो इसलिए इस जेट धारा को भी हम कहते हैं उपोष्ण जेट धारा भारत में ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा ही देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो देख। दोस्तों ये हिमालय से ये अपना भारत है मान लो ये अपना भारत है यहाँ पे हिमालय है तो यहाँ पे जेठ धाराएं नॉर्मल स्थिति ये इनकी ये होती है कि ये हिमालय के आसपास प्रवाहित होती रहती है सारे साल और धारा दिशा इनकी रहती है पश्चिम से पूर्व ठीक है बस ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है हिमालय और उत्तर भारत में आसपास तो ये क्या होती है जेठध धाराएं बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ धकेल दी जाती हैं हवाओं के द्वारा तो ये हिमालय से ऊपर चली जाती है कौन सी ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में तो है ना बाकी ऋतुओं में यह सारी तीनों ऋतुओं में यह इसी दिशा में बहती है कौन सी पश्चिम से पूर्व की तरफ तो सर्दियों में जब पश्चिमी विक्षोभ अपने आते हैं पश्चिमी विक्षोभ या फिर जिसे हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या बोलते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात जेट स्ट्रीम की वजह से उपोष्ण जेट स्ट्रीम की वजह से आते हैं क्योंकि हमारे इस साइड में, में प्रवेश जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान हिमाचल प्रदेश इनमें ऊपर ऊपर वाले क्षेत्र में बारिश करती हुई जाती है जिससे हम क्या कहते हैं मावठ कहते हैं तो जेट धारा के बारे में आप एक बार पढ़ लो यह संक्री पट्टी है बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों जेट धारा के बारे में एक संकरी पट्टी में स्थित शोभमंडल के अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बहुत सी अलग-अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है उनमें सबसे स्थिर और मध्य अक्षांशीय और उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं तो यह कह रहा है कि जेट धाराएं देखो हर मतलब अलग-अलग पाई जाती है कि उपोषण कटिबंध में अलग उष्ण कटिबंध में अलग है ना शीतोष्ण कटिबंध में अलग 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 तरह की जेठ धाराएं हैं अब भारत में जो जेठ धारा पाई जाती है वो कौन सी कटे बंदी है उपोषण कटिबंधीय है क्यों क्योंकि वह तीस से साठ डिग्री के बीच में बह रही है इसलिए उपोषण कटिबंधीय जलधरा पाए जेठ धारा पाई जाती है और यह है जेट धारा सबसे स्थिर जेठ धारा बोली जाती है इसने लिखा है ना देखो मध्य अक्षांश उपोष्ण जेठ धाराएं सबसे स्थिर है मतलब सारे साल लगभग यह अपनी स्थिति पर रहती है जेठ धारा हमेशा बहुत ऊंचाई पर बहती है बारह हज़ार मीटर से भी ऊंचाई पर यह बहती है तथा तो पश्चिमी हवाएं होती हैं मतलब दिशा अगर आपसे पूछा जाए जेठ धारा की तो आप कहोगे पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है इनकी गति गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बहुत तेज गति वाली होती है और सर्दियों में इनकी गति एक सौ दस किलोमीटर प्रति घंटा और एक सौ चौरासी किलोमीटर प्रति घंटा एक सौ दस से एक सौ चौरासी बोल दो आप बहुत तेज़ गति से बहती है ठीक है तो और अलग अलग तरह की जैसे शीत कटिबंध में शीत जेट धारा पाई जाती है कुछ ध्रुवीय जेट धाराएँ भी पाई जाती है इसलिए अलग अलग जेट धाराएं पाई जाती हैं तो भारत में हमने पढ़ा कि भारत में ये जेठध धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं और इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं ये मैंने बता ही दिया आपको जिसे हम भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं और जिसे हम मावठ भी कहते हैं जो भूमध्य सागर से कैस्पियन सागर से हवाएं पानी उठा के लाती है इसी जेठ धारा के साथ में और पाकिस्तान होते हुए उत्तरी भारत होते हुए इनमें वर्षा करते हुए आगे निकल जाती है गर्मियों में सूर्य के आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है तथा तो जा पूर्वी हम पूर्वी जेट जेट धारा धारा हम उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं गर्मी के के महीनों में भारत ऊपर लगभग डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होती है तो ये हमारी जो कि उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है वह तो सूर्य के आभासी संचरण हम मानते हैं कि सूर्य गर्मियों में जैसे भारत के ऊपर मतलब भूमध्य रेखा के कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर चमकता है तो जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ खिसकता है वैसे वैसे जेट धारा भी उत्तर की तरफ खिसक जाती है तो उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा तो ऊपर की तरफ खिसक जाती है और उसकी जगह कौन सी जेट धारा आ जाती है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा जो एक मतलब अल्पकालीन जेट धारा है वह आ जाती है पूर्वी जेट धारा की दोस्तों <coughs> दिशा यह होती है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा की तो एक एक पूर्वी जेट धारा जिसे उप, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहते हैं गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप भारत के ऊपर लगभग चौदह डिग्री अक्षांश में प्रवाहित होती है अब हम पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के बारे में थोड़ा सा दे रखा है वो देख लेते हैं सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरी क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है कहाँ से शुरू होता है भूमध्य सागर से वे प्राय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रवाहित करते हैं कौन से क्षेत्रों को प्रवाहित करते हैं हमारे कि पंजाब हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया उत्तरी राजस्थान हो गया मतलब दक्षिणी राजस्थान तक नहीं पहुँच पाता लगभग उत्तरी राजस्थान में ही कर देता है बारिश और हिमाचल प्रदेश हो गया उत्तराखंड हो गया इनमें बारिश करता हुआ मतलब ऊपर वाले एरिया में ही पहुंचता है मावठ वाली जो बारिश होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह का ही एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रवाहित करते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलग है और भूमध्य सागरीय चक्रवात अलग है उष्ण कटिबंधीय भूमध्य सागरीय चक्रवात जो है वो सर्दियों में आते हैं और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आते हैं अक्टूबर और नवंबर में आते हैं ठीक है ये पूर्वी प्रवाह के ही एक भाग होते हैं और देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं क्या आपने आंध्र प्रदेश में इन तटों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर किए गए इनके विक्षोभ और विनाश के बारे में सुना है तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों दूसरी चीज़ होती है ये बहुत बड़ा टॉपिक है दो तरह के चक्रवात होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो हम जब अपनी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वायुमंडल वाले विज्ञान पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में हम इन चक्रवातों के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो ये थोड़ा सा भारत के मौसम के बारे में इसने दिया है और उपोष्ण कटिबंधित पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो हमारी है कि भारत में कहाँ रहती है तो इसकी स्थिति बताइए ये देखिए भारत में हमेशा यहाँ हिमालय के ऊपर और तिब्बत के पठार के ऊपर इस तरह से रहती है नॉर्मल स्थिति इसकी ये है लेकिन यह सर्दियों में यहाँ तक विस्थापित हो जाती है ऊपर तक चली जाती है ये हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून है जो स्थल से जल की तरफ चलता है ये हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है जो जल से स्थल की तरफ चलता है ठीक है अब इसने कौन सा बताया उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के बारे में बताया ये है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ना ये वाली दिशा होती है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की ठीक है और उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम गर्मियों में इतना ऊपर चला जाता है मतलब भारत को छोड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है कौन सा जो नॉर्मल हमारे ऊपर रहता है मतलब भारत के ऊपर रहता है तो अब हम पढ़ते हैं भारतीय मानसून अब मैंने चाय का एक पूरा कप सलटा दिया है और अब मेरी आवाज़ में आप रौनक देखेगी भारतीय मानसून भारत की जलवायु मानसूनी पवनों के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसूनी परिघटना पर ध्यान दिया पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें जो लाभ हुआ चूंकि उनके जहाज़ पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत में आए थे उन लोगों ने इस पवन तंत्र के कारण पवन तं उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून नाम दिया हम कल देखा ही था कि अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून जिसका अर्थ होता है मौसम ठीक है तो इन लोगों ने देखा कि मतलब ये जब जहाज लेके आते थे तो हवा की दिशा दो बार उलट जाती थी मतलब ये देखते थे सर्दियों में इधर से जहाज आसानी से आ जाता और गर्मियों में जब वापस जाते हैं तो इधर से जहाज मतलब लग धक्का लगता था ना हवा से कि भाई सर्दियों में अरब से इधर से आ रहे हैं तो सर्दियों में हमारे मानसून की दिशा भी यही होती है तो इनका जहाज़ आने में आसानी होती थी अब गर्मियों में जब ये वापस जा रहे हैं तो गर्मियों में हमारे मानसून की दिशा भी यही होती है तो इनके जहाज़ को जाने में और आसानी होने लगी तो ये देख रहे थे कि भाई हवा की दिशा साल में दो बार पलट जाती है और हमारे नाविकों ने सबसे पहले पहचाना और इसे क्या नाम दिया मानसून नाम दिया एक फ़ोटो दी गई है मानसून की मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच में ज्यादा होता है तथा मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों हमारा जो 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिणी पृथ्वी का जो ये वाला इलाका है वहाँ पर मानसूनी चीजें मानसूनी जलवायु हमें दिखाई देगी ठीक है स्थलों और जल गरम और ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब उत्पन्न होता है जबकि इसके आसपास के समुद्रों पर उच्च दाब उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान के उत्तर की गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है यह विश्ववतीय गर्त है जो प्राय विश्वत वृत से पाँच डिग्री उत्तर में स्थित होता है तथा इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व में लगभग बीस डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है तथा इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है ग्रीष्म ऋतु में जब तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इसके परिणाम स्वरूप इस पठार के के ऊपर समुद्र तल लगभग किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर तीव्राम का और उच्च दाब का निर्माण होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम में जेठ धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के प्रभाव प्रा, भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है तो अब ये कुछ समझ में आया क्या पढ़ने से मैं समझाती हूँ देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कह रहा है कि जो स्थल और जो जल है वो अलग अलग गति से ठंडा होते हैं ये मान लो भारत है और भारत में क्या है स्थल है और भारत के इस तरफ समुद्र है इस तरफ समुद्र है ये है जल ठीक है तो जल हमने देखा जल्दी देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है स्थल जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है तो जब हमारी गर्मियाँ होती हैं तो बताओ भारत ज़्यादा गर्म होगा कि हमारा हिंद महासागर ज़्यादा गर्म होगा ओब्वियसली बात है भारत ज़्यादा गर्म हो जाता तो जितने जितना ज्यादा ज्यादा तापमान होगा होगा वायुदाब क्या उतना ही ज्यादा कम होगा तो स्थल पे तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब क्या हो जाता है निम्न हो जाता है और दूसरी तरफ जल जल भी गर्म है हालांकि लेकिन स्थल के मुकाबले कम गर्म है तो स्थल के मुकाबले तापमान वहां पे कैसा है कम है तो वायुदाब कैसा हो जाएगा जल की बात कर रहे हैं हिंद महासागर की वायुदाब हो जाएगा ज्यादा तो हमने क्या समझा हमने ये समझा कि ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर पे तापमान कम और वायुदाब ज्यादा जबकि भारत में तापमान ज़्यादा और वायुदाब कम और मैंने कल आपको क्या बताया था एक नियम हमेशा याद रखना पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं अब वायुदाब ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में कहाँ होता है समुद्रों पर होता है इसलिए पवने जो है हमें हमारी हिंद महासागर से भारत की तरफ चलने लगती है पहला तथ्य तो इसने ये बताया है ठीक है कि उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है है ना हमने देख लिया कि हिंद महासागर उच्च दाब का क्षेत्र और स्थल जो हमारा है वह निम्न दाब का क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में एक अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है जैसे पृथ्वी को हमने कटिबंधों में बांटा ये जीरो डिग्री और जीरो डिग्री से दोनों तरफ दस दस डिग्री तक बहुत ज़्यादा न्यून वायदाब पाया जाता है है ना तो इसे हमने नाम दिया है आई टी सी जेड जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंतर उष्ण कटिबंधी क्षेत्र मतलब बहुत ज़्यादा कम तापमान का यह क्षेत्र होता है मतलब ज़्यादा तापमान का यह क्षेत्र होता है और कम वायुदाब यहाँ पर पाया जाता है है ना यह जो आई टी सी जेड है यह सूर्य के साथ आभासी संचरण करता है और सूर्य के साथ जब संचरण करता है तो यह नॉर्मल तो जीरो से दस डिग्री के बीच में रहता है और हम कहाँ पे हैं भारत साढ़े तेईस डिग्री हमारे बीच में से गुजरती है ना तो हम साढ़े तेईस डिग्री के आधे दक्षिण में आधे ऊपर है है ना तो यह आईटीसी टी जेट जो है यह ऊपर की तरफ खिसक कर यह गंगा के मैदान में जाके प्रतिस्थापित हो जाता है कौन सा यह जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है मतलब हमारे गंगा के मैदान में आई टी सी जेट चला जाता है मतलब यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है हमारे उत्तरी भारत में है ना हिमालय वाले क्षेत्र में गंगा के मैदान वाले में मैंने क्या बोला आपको कि हिमालय और गंगा के मैदान वाला क्षेत्र ही अपना होता है जब आई अत्यधिक निम्न दाब का काम करता है मतलब क्यों? कि यहाँ पे गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में अत्यधिक न्यून वायु दाब हो, जा, हो जाता है इसके अलावा हम बात करें हिंद महासागर और मेडागास्कर द्वीप की तो हिंद महासागर एक बार आपको दिखा देती हूँ ये है अपना हिंद महासागर ये भारत के नीचे जो है सारा हिंद महासागर है ये पूरा हिंद महासागर है और ये मेडागास्कर द्वीप है यहाँ पे बजाय कि यहाँ की यहाँ यहाँ स्थापित हो जाता है देखो अपना वो आई टी सी जेड और यहाँ पे यहाँ पे क्या है उच्च वायुदाब है है ना तो यहाँ पे इसके मुकाबले बहुत ज्यादा उच्च वायुदाब हो जाता है तो इस उच्च वायुदाब से ये जो निम्न वायुदाब का गर्त बन गया मानसून का गर्त बन गया ये तीव्र गति से पवनों को अपनी तरफ खींचता है और पानी से भरी हुई हवाएं तीव्र गति से भारत की तरफ आती हैं जितना ज्यादा निम्न वायुदाब बनता है उतनी ज़्यादा हवाएं व और तीव्रता से खींचता है इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है मतलब ये कह रहा है हिंद महासागर और मेडागास्कर द्वीप के आसपास जितना ज़्यादा उच्च वायु दाब होगा उतनी ही ज़्यादा ये निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र इन उच्च दाब वाले भवनों को तेजी से खींचेगा है ना ये बात इसने बोला है ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पठार और समुद्र तल से लगभग नौ किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है ये एक चीज़ और बता रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में जो तिब्बत का पठार है ग्रीष्म ऋतु में ये जो तिब्बत का पठार है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इस पठार से पवने क्या करने लगती है ऊपर उठने लगती है जब कोई भी चीज़ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है स्थल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वहाँ पर उर्द्वादर पवने ऊपर उठने लगते हैं और ऊपरी वायुमंडल में जाती हैं फिर वापस मुड़ती हैं फिर मेडागास्कर के पास आके लौटती हैं और मेडागास्कर के पास आके क्योंकि यहाँ पे निम्न वायदाव होता है यहाँ पे उच्च वायदाब होता है यहाँ पे आके बैठती हैं फिर मेडागास्कर से तिब्बत की पठार की तरफ तीव्र गति से पवने चलती है इस तरह से एक चक्र का निर्माण यहाँ पे हो जाता है ठीक है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय पर्वत के उत्तर पश्चिम में धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धाराओं का प्रभाव होता है तो ये क्या कह रहा है हिमालय के पास तो कौन सी उत्तर पश्चिमी जेठ धारा जो हमने पढ़ा उपोष्ण कटिबंधीय धारा जो है नॉर्मल रहती है उसका प्रभाव होता है जबकि प्रायद्वीपीय पठार में ग्रीष्म ऋतु में कौन सी जेठ धारा आ जाती है पूर्वी जेठ धारा आ जाती है जो हमने अभी पढ़ा था ठीक है अंतरुष्ट कटिबंधी क्षेत्र के बारे में इसने थोड़ी सी जानकारी दी है ये विश्वतीय अक्षांशों और विस्तृत गर्त और निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है तथा यहाँ पे उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने आपस में मिलती हैं यह अभिसरण क्षेत्र विश्व व्रत के लगभग समानांतर होता है लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह खिसकता रहता है तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये जीरो डिग्री है और जीरो डिग्री की दोनों तरफ दस दस मान लो तो इधर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने ऐसे चलती हैं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने ऐसे चलती हैं तो ये जो क्षेत्र होता है आई इन पवनों का मिलन क्षेत्र भी होता है क्या होता है उत्तरी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनी और दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों का मिलन क्षेत्र भी होता है लेकिन इस आई टी की एक विशेषता है कि सूर्य के आभासी संचरण के साथ में खिसकता रहता है मतलब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है हमारी गर्मियों के मौसम में तो यह आई टी भी उत्तर की तरफ खिसक जाता है और जब सूर्य सर्दियों के मौसम में वापस भूमध्य रेखा और दक्षिण की तरफ जाने लगता है तो आई टी वापस अपने स्थान पर मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास स्थित हो जाता है इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में भी परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है सामान्यतः तो जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के दक्ष उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है तो हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत होती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और दाब की अवस्था के इस नियतकालीन परिवर्तन को ही दक्षिणी दोलन कहा जाता है तथा डार्विन उत्तरी ऑस्ट्री उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती प्रशांत महासागर के दाब के अंतर की गणना के लिए मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून अल दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है यह समुद्र की एक जलधारा है चित्र दिया है क्या इसने चित्र दिया यानी नाइन्थ क्लास के बच्चों को इतना लिख के समझा रहा है बताओ कैसे समझ में आए नाइन्थ क्लास के बच्चों को ये कह रहा है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के वायुदाब में भी अंतर होता है प्रशांत महासागर के चिली वाले तट पर अब मैं यहाँ पे आपको कैसे समझाऊँ दक्षिणी दोलन वगैरह हम वैसे आगे पढ़ेंगे समुद्र वाले ज्योग्राफी में इस वाले टॉपिक को आप एक बार छोड़ दो क्योंकि बिना चित्र के ये समझ में आएगा नहीं है ना और अगर मैं दक्षिणी दोलन और अलिनो वगैरह पढ़ाने लगे तो ये टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा ठीक है तो वो सब हम समुद्र वो वायुमंडल वाली ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना तब विस्तार से पढ़ेंगे नाइन्थ के बच्चों को समझ में आने वाली चीज़ है भी नहीं एक गर्म समुद्र जलधारा है जो पेरू के जलधारा के स्थान पर प्रत्येक वर्ष दो या पांच वर्ष के अंतराल में पे पेरू तट पर पे होकर बहती है और दाब की अवस्था के इस परिवर्तन का संबंध अलिनो से इस परिघटना को इनसु कहते हैं मतलब अलिनो और साउथ ऑस्कलेशन मतलब अलिनो और दक्षिण दोलन दोनों मिलाकर कहा जाता है अलिनो अलिनो एक इतना याद रख सकते हैं आप अलिनो एक ठंडी पेरू जलधारा है और अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास को अलिनो का नाम दिया गया है देखो मैं आपको थोड़ा सा बताए देती हूँ ये दक्षिणी अमेरिका है ठीक है ऐसे ये भूमध्य रेखा याद रखो ये अपना अफ्रीका है और ये अपना इधर भारत है तो और ये मेडागास्कर है ये इंडोनेशिया वगैरह और वो है ये ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे यहाँ की बात हो रही है यहाँ पे पेरू तट पर एक ठंडी जलधारा बहती है क्या बहती है ठंडी जलधारा जिसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम पेरू की जलधारा बोलते हैं नॉर्मल मौसम में ये बहती है तो यहाँ पर जब ठंडी जलधारा बहती है तो तापमान कैसा होगा कम और वायुदाब कैसा होगा उच्च तो उच्च वायुदाब से हमेशा फिर पवने मतलब ये गोल है ना पृथ्वी तो हमारे भारत की तरफ उस तरफ से मानो उस तरफ से भारत की तरफ पौने चलने लगती हैं जिससे भारत का मौसम अच्छा रहता है है ना मतलब कि मानसून अच्छा आता है लेकिन कभी कभी चार पाँच वर्षों से ही परिघटना उलट जाती है और पेरू तट की जो ठंडी जलधारा है उसके स्थान पर भूमध्य सागर वाली ऊपर से आने वाली गर्म जलधारा ले लेती है इसलिए दक्षिणी अमेरिका का ये वाला जो तट है पश्चिमी तट है ये गर्म हो जाता है गर्म हो जाता है तो वायुदाब कैसा हो जाएगा यहाँ पर तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम और कम वायुदाब हो जाएगा और इसके मुकाबले अपने भारत और इंडोनेशिया की तरफ वायुदाब कैसा रहता है ज़्यादा तो पवने इधर से मतलब भारत से अमेरिका की तरफ चलने लगती है उस साल हमारा मानसून बिगड़ जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं इस घटना को हम बोलते हैं बोलते हैं जिस साल हमारा मानसून बिगड़ जाता है इसने वही बताया कि ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा का विकास को अल नीनो नाम दिया गया है जिस साल हमारा मानसून बिगड़ता है मतलब नॉर्मल तो पेरू तट पर पे ठंडी जलधारा बहती है ठंडी जलधारा से वायुदाब ज़्यादा होता है और ज़्यादा वायुदाब से हमेशा भारत की तरफ़ पवने चलती है और भारत का मानसून सशक्त रहता है लेकिन किसी साल अगर गर्म जलधारा आ जाती है वहाँ पे तो वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है और भारत की तरफ से पवने कहाँ चलती है दक्षिणी अमेरिका की तरफ चलने लगते हैं और भारत का मानसून कमजोर हो जाता है इस घटना को हमने अल अलिनोगी घटना नाम दिया है नीनो एक Spanish शब्द मेरे इंटरव्यू में पूछा था ये नीनो क्या होता है नीनो नाम ही क्यों दिया गया है ना ये सारी चीजें पूछी थी मेरे से नीनो एक स्पेनिश शब्द होता है जिसका अर्थ होता है बच्चा या फिर बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय पर बहना शुरू होती है नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है तो अलिनो का नाम अलिनो का मतलब होता है बेबी क्राइस्ट है ना क्योंकि ये पच्चीस दिसंबर के आसपास होती है जब वहाँ पे क्रिसमस मनाया जाता है उस टाइम पे होती है इसलिए इसे अलिनो नाम दिया गया है बेबी क्राइस्ट के नाम पे है ना मतलब यीशु शिशु का बेटा ऐसे बोला जाता है इसको तो आज के लिए इतना ही मानसून वाला चैप्टर बड़ा भारी हो जाता है यार समझाना मुश्किल हो जाता है बिना बोर्ड के अगर आप मेरे सामने हो तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ अब इसके छोटे से स्क्रीन पर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बट आई होप मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रही होगी और कहीं ना कहीं मदद भी कर रही होगी पढ़ने में और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है कोई टॉपिक्स में दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो मेरी मेहनत समझ में आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बाय बाय